राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित सावित्री नाम की महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में जहांगीरपुरी के ही एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप गलत तरीके से ऑपरेशन करने का लगाया गया और लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। दरअसल सावित्री नाम की 60 वर्षीय महिला की पीठ में दर्द की शिकायत थी। परिजनों ने नजदीक के आनंद माया हॉस्पिटल ले गए, जहाँ जांच में मालूम हुआ कि उनके पित्त की थैली में पथरी है। ऑपरेशन की बात की गई, परिजनों ने पैसे जमा कराए और पित्त की थैली निकालते हुए डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला के हाथ की नस काट दी गई, जिससे महिला की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। आनन फानन में बुजुर्ग महिला को आनंद माया हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने शालीमार बाग की जैन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहाँ महिला का एक और ऑपरेशन कर दिया गया। इसके बाद भी महिला की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार महिला को सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, और आज इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिवार का रू रू कर बुरा हाल है। सीधे तौर पर आरोप आनंद माया अस्पताल पर लगाया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही केवल पित्त की थैली में पथरी का इलाज कराते हुए महिला का गलत ऑपरेशन हुआ और उसी के चलते महिला की मौत हुई है। पीड़ित परिवार, अस्पताल प्रशासन और आरोपी डॉक्टरों पर कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहा है। कुछ दिन पहले भी परिजन आनंद हॉस्पिटल में एकजुट हुए थे, जहां पुलिस को भी शिकायत की गई थी, और अब महिला की मौत के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच आती है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कार्यवाही होती है। क्या बंटी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि आनंद माया से माता जी रेफर हुई थी जैन हॉस्पिटल। जैन वालों ने माता जी रेफर कर दी ये क्या नाम इसका सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल में। तो माता जी ने आज सुबह ही वहाँ दम तोड़ दिया। दम क्या तोड़ा, माता जी का दम तो निकल ही चुका था। तो डॉक्टर बोले देखो जी वैसे तो खैर कुछ नहीं है, बाकी आप रखना चाहते हो चाहे 10-15 दिन यहाँ लगा कर रखो, कुछ नहीं है, सिर्फ वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे माता जी का जैसे हम निकाल देंगे वैसे प्राण निकल जाएंगे। तो मैं कहा सर पर रखने से क्या फ़ायदा है। तो हमने फिर माता जी का वेंटिलेटर हटाया, हटाते माता जी के सांस चले गए। आनंद माया वालों ने मेरी माता जी का केस खराब किया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि मेरे को आनंद माया से पैसे लेने हैं या मुझे कुछ अपनी माता जी के लिए, वो नहीं। मुझे सिर्फ ये इस वजह से आप लोगों को मैंने बुलाया है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए, बस ये है। क्योंकि इनके साथ इन्होंने कईयों का कैसे केस खराब किया है आप जो मेरे आगे आ रहा है। बस धन्यवाद जी। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि पुलिस वाले भी आराम से बैठे हुए हैं। आईओ था जो वहाँ का, उस आईओ से भी बात की है मेरी सिस्टर ने, वो आईओ भी कुछ नहीं कह रहा है। बस पुलिस वाले तो यूँ ही कह रहे हैं ना कि पुलिस वाले तो, सर मैं तो ये चाहता हूँ कि पुलिस वाले इस बात पे एक्शन उठाएं। ले जाओ अपनी मम्मी को, कुछ नहीं है इनके अंदर, इनके ट्यूब फट चुके हैं अंदर से। आनंद माया वालों ने दो दो बार मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाया, आखिरी सांस दे मेरी मम्मी को सफदरजंग मेडिकल में पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने बोला अंदर से ट्यूब फट गई, इनको ले जाओ अंदर यहाँ से। पुलिस वालों की कोई कार्रवाई नहीं है, ना वो घर आए ना कुछ पूछा उन्होंने। आतनी काट दे उसकी दो दो बिचारी की।